नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो प्रयोग करने की बात करने जा रहे हैं वो संबंधित है P बराबर F बटे A, जो दाब है वो फोर्स और एरिया से कैसे संबंधित है इसकी बात हम करते हैं। इसको हम लोग कई जगह पे पढ़ते हैं और कई जगह पे इसका उपयोग, इसका एप्लीकेशन होता है जो हम देखते हैं। बहुत एक साधारण सी बात है, जब बच्चा बैग लेकर के स्कूल जाता है तो उसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं बैग की वो चौड़ी बनाई जाती हैं, अर्थात उनका एरिया ज्यादा होता है। इसी अगर हम क्या करें, उस एरिया को कम कर दें, पतली स्ट्रिप करें, तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो बच्चे को बहुत दिक्कत करती है, वो गड़ता है। वही फोर्स है उतना ही है, लेकिन फिर भी हमें प्रेशर बहुत लगता है। इसी तरह से नाइफ जो होती है, चाकू जो है घरों पर यूज करते हैं, उसके एज को पतला रखते हैं जिससे कि हमें आसानी से सब्जियां काटी जा सके। थोड़े ही फोर्स लगाने से उतना प्रेशर हम मेंटेन कर पाए। ऐसे ही एक आज हम लोगों ने प्रयोग किया है, उसको जरूर आप देखिए और देख करके एक बार उस पर विचार कीजिए कि हम कैसे कर सकते हैं। और वो प्रयोग कैसे करना है, इस चाय पीने वाले गिलास से, है ना। तो बहुत आसानी से उपलब्ध है ये चाय पीने वाला पेपर कप, और उससे आप प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे सीख सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, स्कूल के अंदर आसानी से होने वाला है, बहुत लो कॉस्ट एक्टिविटी है। तो आप इसको करिए और करने के बाद जरूर YouTube के कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी और आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरह की एक्टिविटी हम लोगों ने एक बलून से की हुई है, गुब्बारे से की हुई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक है, अगर उसको आप देखना चाहें, बलून और टूथपिक से की गई एक्टिविटी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे हमें ये स्कूल के अंदर में, घर के अंदर में, और ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मजेदार है। और एक और एक्टिविटी से संबंधित हम करेंगे बलून से, लेकिन पहले इसको देखते हैं। और आप बिल्कुल याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और दूसरों को भेजना ना भूलें। तो लगे रहिए, चले रहिए साथ में विज्ञान के प्रयोग चैनल। एक प्रयोग करने जा रही हूँ चाचा। मेरा नाम अक्षया है, मैं नर्सरी में पढ़ती हूँ। किसलिए है मेरे स्कूल का नाम किसलिए है? मैं 20 सेक्टर में पढ़ती हूँ। मैं अभी इस क्लास के ऊपर पैर रखूंगी चाचा। अब यहां पर पेपर ग्लास के सेट देखिए किस तरह से लगाए गए हैं, और उसके ऊपर एक सीट रखी है। तो अब आप देख रहे हैं किस तरह से पेपर ग्लास सजे हैं, क्या तरीका है, और ऊपर एक बड़ी सी सरफेस आ गई है ना। वैसे ही जैसे बैग की बद्धियां स्ट्रिप्स चौड़ी होती हैं, यहां पे भी हमने चौड़ा कर दिया। और मैं उठा के सीधे उसी पे खड़े हूं, उठा के अक्षया को उस पर खड़ा कर देता हूं, और अक्षया देखिए उसके ऊपर कितने आराम से खड़ी है, कुछ पैर भी चला रही है लेकिन बराबर है ना। कुछ गिलास पे समय ज्यादा बल लग रहा है और कुछ गिलास पे कम बल लग रहा होगा, लेकिन प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन गिलास देखिए टूट नहीं रहे हैं, है ना। सारा जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसका। तो ऐसी छोटी एक्टिविटी करके आप जरूर क्लासरूम में दिखा सकते हैं।